और अब 25 सेकंड में खबर। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना, विपक्षी दलों वंशवाद पर बताया आधारित, कहा लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ। बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों को प्रतिष्ठित नागरिकों ने लिखा पत्र, 270 नागरिकों ने राजदूत, ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड फौजी भी शामिल, बर्ताव की गई निंदा। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना पर कांग्रेस के आरोपों पर गृहमंत्री अमित शाह का पलटवार, ट्वीट कर पूछा कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से इतनी नफरत की। संसद भवन के उद्घाटन पर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा शुक्र मनाइए जुर्माना नहीं लगा रहे। यूपीएससी के रिजल्ट विवाद पर आयोग का बयान, आयशा मकरानी के दावे को बताया फर्जी, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की कही बात। यूपी के मैनपुरी में माधवराज सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल। मेरठ में मेयर पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान मारपीट, वंदे मातरम ना गाने पर बीजेपी और एआईएमआईएम पार्षदों में हुई मारपीट। बुनी पहुंचे सीएम शिवराज, धार्मिक आयोजन में हुए शामिल, कहा गृहस्थ जीवन भी जरूरी, अजधर्म का पालन एक तरह से परमात्मा की सेवा, गाया भजन। सागर से बीजेपी सांसद राजबहादुर सिंह का बड़ा बयान, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आए कार्यकर्ताओं का निशाना, कहा कुछ लोग बाहर से पार्टी में आ गए, उनके कारण स्थिति बिगड़ी। भोपाल में बीडी शर्मा और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच मुलाकात, बंद कमरे में दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलने वाले अभियान की समीक्षा। कुनो नेशनल पार्क में चीतों के शावकों की मौत पर बोले श्योपुर के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, चीतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सरकार, मॉनिटरिंग के लिए बनी 11 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी। और बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।